Zombie Apocalypse. अस्सलाम वालेकुम। आज आपको इस वीडियो में बताएंगे हुडा CD70 के रियर शार्क स्प्रिंग टूट जाए तो कैसे डालते हैं। ये देखो अभी इसका रियर स्प्रिंग टूट गया है। इसके लिए आपने दो नट होते हैं इसके, एक शार्क ऊपर वाला, एक 14 नंबर ऊपर वाला आपने खोलना है, एक नीचे जहाँ पे पैदान लगा होता है वो वाला आपने खोलना है। उसके बाद शार्क खुल जाएगा, ये भी शार्क खुल गया है। इसके बाद आपके पास एक रेंच होना चाहिए और एक स्क्रू ड्राइवर होना चाहिए, उसकी मदद से आपने इसको खोलना है। हल्का सा फोर्स लगाएंगे ये खुल जाएगा। ये भी खोल रहे हैं आपके सामने, ये अभी खुल गया है। ये देखो स्प्रिंग अभी इसके बाहर निकाल रहे हैं, ये अभी स्प्रिंग इसका बाहर निकल गया है। एक ये वाला इस साइज का है और दूसरा ये वाला। अभी ये देखो मुकम्मल शार्क हो गया, टूटो वो। अभी इसके बाद नया जब डालेंगे इसको ग्रीस लगानी है, ग्रीस लगाकर उसके बाद आपने इसको फिट करना है। और इसके लिए एक स्पेशल टूल आता है की मदद से इसको हमने लगाना है। अभी इसका स्पेशल टूल है, इसमें लगाकर पीछे स्क्रू ड्राइवर डालेंगे और जो आगे की तरफ है इसको, ये चाइना 70 के लिए भी, चाइना 70 जो होती है उसमें भी ये उसको जो टूल है यूज़ होता है, और होंडा 70 के लिए। अभी इसके बाद पीछे से आपने इसको टाइट करना है, आगे से इसकी जो पंप का राड है वो अब बाहर आएगा, उसके साथ आपने दूसरा सस जो दूसरा नीचे वाला पार्ट्स है वो आपने इसको फिट करना है। अभी ये देखो इसके साथ अभी फिट कर रहे हैं। ये लगा रहे हैं, अपने रेंच डालना है और उसके बाद स्क्रू ड्राइवर की मदद से टाइट करना, ये हो जाएगा। ये दोस्तों अभी बाइक के साथ फिट करती है। हमारा चैनल अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें।